हेलो एवरीवन, हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक तावड़े और आज मैं आपको जो प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट का जो लोकेशन है पनवेल के मेन मार्केट एरिया में लोकेटेड है। यहाँ से आप अगर पनवेल के मेन मार्केट में जाओगे तो हार्डली वॉकेबल 2 to 3 minutes का वॉकिंग डिस्टेंस है। पनवेल का मेन सिटी एरिया आता है। तो मैं अभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। ये पूरा G+7 के 2 wings है, जिसमें हमारे राइट साइड में आप देख रहे हो ये A wing है, मेरे लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये B wing है। तो दोनों विंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, पूरा कलर वर्क हो चुका है। तो इसका जो पोजेशन है ये आने वाले डिसंबर में 2024 डिसंबर में आपको मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का जो सबसे बड़ा USP है ये इस प्रोजेक्ट का कारपेट एरिया है। इस फ्लैट का जो 2 BHK अगर आप कारपेट एरिया देखोगे तो 890 का कारपेट एरिया डेवलपर आपको दे रहे हैं। तो कोई भी डेवलपर आपको 890 का कारपेट एरिया 2 BHK फ्लैट में नहीं देता है। यहाँ पे 3 BHK में आपको 890 का कारपेट एरिया मिलता है। तो इस 2 BHK फ्लैट का अगर आप लिविंग रूम और हमारा जो मास्टर बेडरूम है वो देखोगे तो आप काफ़ी स्पेशियस आपको और ह्यूज आपको स्पेस यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो जो भी कस्टमर है जो बड़े कारपेट एरिया में यहाँ पे 2 BHK फ्लैट देख रहे हो, यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट देखोगे तो ये हमारा मेन एंट्रेंस है। आप राइट साइड में मेरे देखोगे तो ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ पे हमारा A wing और B wing है और बाजू में आप स्पेस देख सकते हो, काफ़ी स्पेस आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में मिल रहा है। तो स्पेशियस आपका प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए अच्छा स्पेस आपको मिलने वाला है। तो यहाँ मैं अगर आपको एमिनिटीज़ के बारे में बताऊँ तो मल्टीपल एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको मिल रहे हैं जो कि रूफ टॉप में है। तो 20 एमिनिटीज़ यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट में मिल रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं है, बाकी ऑल एमिनिटीज़ वाला प्रोजेक्ट है जो कि आपको सारे रूफ टॉप में आपको एमिनिटीज़ मिल रहे हैं। अगर मैं आपको इस प्रोजेक्ट के कनेक्टिविटी के बारे में बताऊँ तो यहाँ से आप अगर पनवेल स्टेशन बाय वॉक जाते हो तो आपको विद इन 20 minutes में आप पनवेल स्टेशन जा सकते हो। अगर आप ड्राइव जाओगे तो 5 minutes में आप पनवेल स्टेशन कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ से जो मेन मार्केट है पनवेल का वो वॉकेबल आपको 3 to 4 minutes में आपको मार्केट है, तो मार्केट आप इजीली जा सकते हो। यहाँ पे आप अगर बिल्डिंग के नीचे जाओगे तो सारे ग्रोसरी शॉप्स या फिर आप कोई भी डेली नीड्स की जो भी चीज़ है वो आपको यहाँ से आपको वॉकेबल डिस्टेंस में मिलने वाली है। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट का कनेक्टिविटी है। अभी मैं आपको हमारा जो 2 BHK सैम्पल फ्लैट है वो सैम्पल फ्लैट आपको शो करता हूँ, आइए। तो ये हमारे इस प्रोजेक्ट का लॉबी एरिया है। यहाँ पे आपको एक फ्लोर पे टोटल 7 फ्लैट्स है, एक स्टेयरकेस है और 2 लिफ्ट आपको मिल रहा है। तो अभी मैं आपको हमारा जो 2 BHK जो ग्रैंड 2 BHK है वो ग्रैंड 2 BHK आपको शो करता हूँ, आइए। तो ये है हमारा स्पेसियस 2 BHK सैंपल फ्लैट। इसका जो कारपेट एरिया है वो 890 का कारपेट एरिया है। तो आप 890 में देखोगे तो कुछ कुछ डेवलपर आपको 3 BHK देते हैं, लेकिन इस डेवलपर ने आपको ग्रैंड 2 BHK दिया है जिसका कारपेट एरिया 890 का है। तो कोई भी डेवलपर इस पूरे लोकेशन में इतना बड़ा कारपेट एरिया नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा एल टाइप आपको लिविंग रूम मिल रहा है। तो एल टाइप में आप देखोगे तो यहाँ पे भी ह्यूज स्पेस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप लिविंग में देखोगे तो काफी बड़ा स्पेस आपको लिविंग में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप पूरा सोफा सेट कर सकते हो, या सामने के वॉल पे भी आप सोफा सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप टीवी यूनिट कर सकते हो और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देखो तो आपको ह्यूज स्पेस दिया हुआ है जो कि आपके डाइनिंग स्पेस के लिए है। तो यहाँ पे आप 7 से 8 लोगों का आप डाइनिंग स्पेस भी पूरा सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस डाइनिंग के लिए भी दिया हुआ है। प्लस आप यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर बालकनी आपको दिया हुआ है। तो आप बालकनी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा बालकनी है। यहाँ पे 4 से 5 लोग आप यहाँ पे बैठ सकते हो या फिर चेयर और वगैरह सेट कर सकते हो। और यहाँ पे आप हायर फ्लोर पे जाओगे तो आपको व्यू भी यहाँ पे आपको अच्छा मिलने वाला है। तो ये आपका स्पेशियस बालकनी का स्पेस है। यही से आप अगर लेफ्ट साइड में जाते हो तो डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आपको किचन दिया हुआ है। मैं आपको किचन शो करता हूँ, आइए। तो ये है आपका स्पेशियस किचन। आप किचन में भी देख सकते हो, काफी बड़ा स्पेस आपको किचन में मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो डबल प्लेटफॉर्म आपको दिया हुआ है। ये आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपका सर्विंग प्लेटफॉर्म है। आप नीचे मॉड्यूलर किचन जो देख सकते हो ये आपको डेवलपर आपको पूरा करके दे रहे हैं। तो आपको सेमी मॉड्यूलर किचन पूरा डेवलपर आपको करके दे रहे हैं। प्लस यहाँ पे आप देखोगे तो ये सिंक है, फुल हेडेड आपको टाइल्स प्रोवाइड किया गया है और लेफ्ट हैंड साइड में आपको काफी अच्छा स्पेस आपको फ्रिज के लिए भी दिया हुआ है। तो यही से आप अगर बाहर आते हो तो आपको 2 bedroom है। मैं अभी आपको कॉमन बेडरूम हमारा शो करता हूँ, आइए। तो ये है आपका स्पेशियस फर्स्ट कॉमन बेडरूम। यहाँ पर आप देखोगे तो आप काफी अच्छा आपको बेडरूम में भी स्पेस दिया हुआ है। फुल हाइटेड विंडो आपको मिल रहा है, तो यहाँ से आपको एयर वेंटिलेशन अच्छा रहेगा, सनलाइट आपको अच्छा मिलने वाला है। प्लस आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप पूरा आपका बेड एरिया सेट कर सकते हो। आप राइट साइड के वॉल में आप पूरा वार्डरोब एरिया यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका कॉमन बेडरूम। यहाँ से ही आप बिल्कुल सामने देखोगे तो यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम का स्पेस दिया हुआ है। आप एक बार कॉमन वॉशरूम देख लीजिए। कॉमन वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर आते हो तो एक अच्छा पैसेज एरिया भी आपको मिल रहा है। और अभी मैं आपको हमारा जो मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम आपको शो करता हूँ, आइए।
तो ये है आपका ग्रैंड मास्टर बेडरूम। यहाँ पे आप देखोगे तो काफी अच्छा स्पेस आपको मास्टर बेडरूम में मिल रहा है। तो इतना बड़ा स्पेस आपको कोई भी डेवलपर को मास्टर बेडरूम में नहीं देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो काफी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे आप आपका किंग साइज बेड भी डाल सकते हो, जो कि आप यहाँ पे पूरा किंग साइज बेड कर सकते हो। राइट साइड में आपको एक प्रॉपर वार्डरोब के लिए एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको दिया है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर आपका वार्डरोब भी कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो फुल हाइटेड विंडो भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। प्लस आपको जैसे चाहिए वैसे इस फ्लैट को आप इंटीरियर कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। काफी अच्छा स्पेसियस आपको मास्टर बेडरूम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और यही से आप अगर राइट साइड में देखोगे तो ये है आपका स्पेसियस मास्टर वॉशरूम। तो काफी अच्छा स्पेस आपको इस मास्टर वॉशरूम में भी मिल रहा है। तो ये था हमारा स्पेसियस 2BHK फ्लैट जिसका कार्पेट एरिया 890 का है। अभी मैं आपको इस सारे प्रोजेक्ट के जो इन्वेंट्री है वो इन्वेंट्री बताऊंगा, इसके आपको डिटेल में प्राइसिंग भी आपको बताने वाला होगा। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रोजेक्ट में 1BHK 2BHK हमारे पास अवेलेबल है। 3BHK यहाँ पे सोल्ड आउट है, लेकिन इसी डेवलपर का और एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे हमारे पास 3BHK अवेलेबल है। तो आप अगर विजिट के लिए आते हो तो वो भी 3BHK हम लोग आपको दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1BHK फ्लैट है इसका जो कार्पेट एरिया वो 517 का कार्पेट एरिया है। तो कोई भी डेवलपर आपको इतना बड़ा 517 का कार्पेट एरिया यहाँ पर नहीं देता है। तो आप 1BHK देखो तो ह्यूज कार्पेट एरिया आपको मिल रहा है। इसका जो प्राइसिंग है ये 67 लाख आपको ऑल इंक्लूसिव पैकेज में आपको 1BHK फ्लैट मिलने वाला है। प्लस आप यहाँ पे 2BHK फ्लैट देखोगे तो 2BHK फ्लैट हमारे पास 723 से लेके हमारे पास 890 तक हमारे पास 2BHK फ्लैट अवेलेबल है, जिसका जो प्राइसिंग है वो 1.10 CR से लेके 1.30 CR तक हमारे पास 2BHK फ्लैट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3BHK फ्लैट भी हमारे पास है, लेकिन वो दूसरे प्रोजेक्ट में हमारे पास है। अगर आपको 3BHK का रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।